सर्दियों में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, हम ज्यादा देर खेल भी नहीं पाते। जूली, कल स्कूल का आखिरी दिन है, उसके बाद सर्दियों की छुट्टियाँ, फिर हम पूरा दिन खेल सकते हैं। सिर्फ खेल सकते हैं, पर इस बार हम कहीं घूमने नहीं जा रहे ना, सबके पेरेंट्स बिजी हैं, इस बार तो बोर हो जाएंगे। गोपी, चिंता मत करो, हम तो साथ हैं ना, बोर होने का कोई सवाल ही नहीं। बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय। अरे वो क्या है? ये कैसा बक्सा है जो आसमान से आ गिरा? लगता है किसी एरोप्लेन से गिरा होगा। ये क्या था? कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है, कहीं इस बक्से में भूत तो नहीं? बचाओ! इतनी भी तेज भाग लो, मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे ये गोपी नहीं आया अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गया। हमारा मतलब है बस आज तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। ये मेरा नया स्टाइल है, और स्टाइल के बिना लाइफ एकदम बोरिंग है। गोपी, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया। पर एक ही दिन में इतना बदलाव, वो कैसे गोपी? अब क्या बताऊं इनको, दरअसल मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे हुआ क्या है, पर मजा बड़ा आ रहा है। तो हाँ, वो देखो, आज लंच में एप्पल्स है। ओ नो, फिर से एप्पल्स, बस चबाते ही रहो। ऊपर से उनका छिलका और अंदर से अगर ध्यान से नहीं खाया तो बीज मुंह में आ जाते हैं। राजू, एप्पल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। अब खा भी लो राजू। ये लो, मेरे कहने से खा लो। सब झुक जाओ। स्ट्रॉम की रोशनी यहीं कहीं है। मुझे कुछ तो करना होगा। राजू, हाँ।
अर्थात की सेना का महान जनरल एलेक्नार, और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। जीतूंगा तो मैं ही। किसी का भी नहीं है। चलो बाहर निकलो। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माइटी, बोलो। गोपी और जूली में झगड़ा? माइटी को लेके तगड़ा झगड़ा। तुम तो फंस गए माइटी। ठीक है, गोपी और जूली को मिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फोन मुझे थोड़ी देर पहले आया है, इसे सुनो। खन्ना, माइटी हमारे कब्जे में है और उसके बदले हमें आर्यनगर का शाही हीरा चाहिए। ठीक है, तुम्हारा पता बताओ, मैं हीरा लेके आता हूँ। ओके, एड्रेस लिख लो। फिर से क्यों मारा मुझे? हम फिर फोन करेंगे। ये तो बहुत सीरियस मामला है। उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं। बॉस, शाही हीरा तो बहुत महंगा होगा ना? ना तो तुम्हें हीरा मिलेगा और ना तुम यहाँ से बच के जा पाओगे। अरे, ये मुझसे पहले पहुँच गया यहाँ। माइटी को हमारे हवाले करो अभी।
ये कैसे आ गया यहाँ? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है चंगू, याद दिलाता हूँ। अरे कोई मुझे तो बचाओ। याद रखना, तुम दोनों मेरे नंबर वन फैन हो। अरे हाँ, ये तुम दोनों के लिए। बाय बाय माइटी। और मेरे पास एक ढंग का असिस्टेंट भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये अंडा गोगो। माइटी रोबोट अंडा, ये आखिर है क्या बॉस? बंकी, अंडे के अंदर जाओ। अब ये मेरा अद्भुत आविष्कार करेगा माइटी राजू का शिकार। उठ जाओ राजू। यूरेका। गुड मॉर्निंग। वाह मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम घोड़े बेचकर सोए रहोगे। शायद उन्होंने कोई बड़ा आविष्कार किया होगा। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ? मेरे नए आविष्कार से मिला, ये है स्वामी का RTH, रोबोटिक टेंटिकल हैंड। मेरे RTH का कमाल देखना चाहते हो? आओ मेरे साथ। अब देखो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं। बच्चों, एक एक्साइटिंग न्यूज है। अगले शनिवार को हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अंडा रखा जाएगा और उस बड़े अंडे पर आपको पेंटिंग करनी होगी। ड्रॉइंग करने के लिए एडमिन मैडम के पास शाम के 3:30 बजे से पहले जाइए। ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हाँ। वो रहा रोबोटिक हैंड। चलो। बहुत मुश्किल से किसी को कोई शक हुए बिना मैंने ये अंडा बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी अंदर जाके तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी, गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बॉस, मैं सब कुछ ठीक ही करूँगा। काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। वाह गोभी, तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसमें काले
कमी है। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। गोपी जल्दी से अपना पोस्टर पीछे लो। बॉस, हमें नहीं पता था कि आप चेहरे से भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बैड एंडी। जूली, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पेंटिंग कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत डायस के पास आए। तुम कहीं मत जाना जूली, मैं कंपटीशन खत्म होते ही तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है। माइटी राजू कहाँ है? माइटी राजू यहाँ है। Nice to meet you, माइटी राजू। ये क्या हो गया? ये तो बाबा बॉन। वो मेरे पावर को कंट्रोल कर रहा है। माइटी राजू, माइटी राजू। बंटी के दिमाग का धमाल हो गया। बंकी अब बोलो, तुम आए कहाँ से? बंकी का बॉय, बंकी का बॉय। कितने लालची हो तुम? तुम्हें मूर्ति चाहिए और तुम्हें ये सब भी चाहिए? क्या तुम्हारी टीचर ने ये भी नहीं सिखाया कि लालच बुरी चीज है? हाँ? वैसे है क्या वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये रोबोटिक हाथ है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो हाँ, वो भी है। जब तक उसके पास पापा का ये आविष्कार है, मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो राजू, कुछ सोचो। बदमाश बच्चे, ये क्या किया तुमने? मैं आशा करता हूँ कि ये आविष्कार तुम्हारी वजह से खराब ना हो। तो तुम ऐसे नहीं मारोगे, इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज अंकल को ही तय करना पड़ेगा।
जल्दी आ जाए तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। चलो अच्छी बात है, रोबोटिक हाथ काम कर रहा है। बच्चों अब वक्त है विनर का नाम बताने का। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। कांग्रेट्स राजू, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो ये हाँ? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये तो सुपर गिफ्ट है राजू, पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे। अब तुम्हारे बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसकी मदद से मैं करूँगा आर्यनगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह। नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है और अब इसे सोमिनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। म्यूजियम की सैर। बच्चों इनसे मिलो, ये म्यूजियम गाइड हैं। आज हम सबको ये म्यूजियम की सैर कराएंगे। डायनासोर टीरेक्स, बाप रे। बच्चों ये सभी गुड़िया हमारे देश के विभिन्न राज्यों की छवि हैं। ये कितना बोरिंग है, यहाँ कुछ मजेदार नहीं है क्या? वाह क्या बात है चार्ली, बहुत बढ़िया।
बचाओ। अब इनको कैसे संभालूं, क्या करूं? ये ना घास खाते हैं और ना ही केले खाते हैं। हाँ, आइडिया। ये ट्रिप बहुत ही रोमांचक रहा।